हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एमएक्स टकाटक का सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। मतलब कि दोस्तों, आप अपने एमएक्स टकाटक में आज तक जिसको भी सर्च किया है या फिर जिसकी भी आईडी को आज तक सर्च किया है अपने एमएक्स टकाटक में, वो सारा आपके एमएक्स टकाटक के सर्च हिस्ट्री में रहता है। और दोस्तों, अब आप चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने एमएक्स टकाटक का सर्च हिस्ट्री डिलीट करें, तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने एमएक्स टकाटक का सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन को क्लिक कर लिया है और यहाँ पर हमारे सामने हमारे एमएक्स टकाटक का होम पेज ओपन हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो चलने लगी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको अपने एमएक्स टकाटक का सर्च हिस्ट्री डिलीट करना है। तो सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको नीचे लाइन से यहाँ पर दोस्तों 4-5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों आपको नीचे सेकंड नंबर पर एक सर्च का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस सर्च के आइकन पर क्लिक कर देना है। सर्च के आइकन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर एक लिखा हुआ दिख रहा है, दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है सर्च वीडियो क्रिएटर एंड हैशटैग, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर वो सारा आ जाएगा, आईडी या फिर जिसको भी आपने सर्च किया है वो सारे यहाँ पर आ जाएगा कि आपने आज तक जिसको जिसको भी सर्च किया, जिसकी भी आईडी को सर्च किया है, वो सारी आईडी यहाँ पर आ जाएगी, वो सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप अगर किसी एक कोड आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, किसी एक सर्च को डिलीट करना चाहते हैं, तो एक को डिलीट करने के लिए आपको दोस्तों जिसको भी डिलीट करना है, आपको उसके साइड में क्रॉस का साइन दिख रहा होगा, आपको क्रॉस के साइन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें इस फर्स्ट वाले को क्लिक डिलीट कैंसिल करना है, डिलीट करना है अपनी सर्च हिस्ट्री से, तो इसको डिलीट करने के लिए आपको साइड में यहाँ पर क्रॉस का साइन दिख रहा होगा, आपको इस क्रॉस के साइन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको इस क्रॉस के साइन पर क्लिक कर देना है। क्रॉस के साइन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये आईडी आपके सर्च हिस्ट्री से डिलीट होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप अपने एमएक्स टकाटक का पूरा सर्च हिस्ट्री एक साथ कैसे डिलीट करें, तो पूरा एक साथ डिलीट करने के लिए आपको नीचे यहाँ पर एक क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस क्लियर हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लियर हिस्ट्री के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेब की आईडी नहीं दिख रहा है, मतलब कि हमारे एमएक्स टकाटक का सारा सर्च हिस्ट्री एक बार में डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एमएक्स टकाटक में सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, चाहे एक एक करके डिलीट करें या फिर दोस्तों आप एक क्लिक में पूरा सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।